हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं सोयाबीन परी का कबाब बनाने जा रही हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैंने सोयाबीन बरी का कबाब बनाने के लिए आधा किलो बरी लिया है सोयाबीन का, और ये बेसन लिया है एक कटोरी, और ये आमचूर पाउडर लिया है एक चम्मच, दो चम्मच मिर्ची और एक चम्मच हल्दी और दो चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में चार प्याज लिया है, इसे मैं बारीक काट लिया, और ये 10 मिर्ची, इसे भी बारीक काट लिया, और ये लहसुन लिया है 10-15, और ये अदरक है एक गांठ, और एक चम्मच जीरा। अब इसको मैंने अदरक और लहसुन को इसके साथ पीस लूँगी, ये बरी के साथ पीस लूँगी, फिर ये सब चीज़ इसमें मिलाऊँगी। लहसुन भी पीस लूँगी इसमें, ये अदरक पीस लूँगी इसमें, देखिए दोस्तों ये पीस गया है। एक कटोरी बेसन डाल रही हूँ, अरे दो चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच आमचूर पाउडर और दो चम्मच धनिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ये घर का पीसा हुआ है दोस्तों। मिर्ची पाउडर, एक चम्मच आमचूर पाउडर और दो चम्मच धनिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ये घर का पीसा हुआ है दोस्तों। ये इसमें चार प्याज काट के मैंने डाल रही हूँ बारीक, ये 10-15 मिर्ची बारीक काट के, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक एक चम्मच, थोड़ा सा तेल मोयन, अब ये सबको अच्छा से फेंट लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे गोल गोल बना के रख देंगे, अब पूरा बन जाएगा तो तल लेंगे। देखिए दोस्तों ये बन गया है गोल गोल, अब मैं इसमें रख रही हूँ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा करारा बन गया है, एकदम बहुत ही सुंदर तला है। देखिए दोस्तों सोयाबीन बरी का कबाब कितना अच्छा बना है, गोल गोल और कुरकुरा, और कितना अच्छा तला हुआ है, खाने में बहुत स्वादिष्ट बना है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना अच्छा खाने में लगेगा। आप लोग जरूर बनाइए दोस्तों अपने घर में। देखिए इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा बना है दोस्तों। देखिए ये आप लोगों के लिए है, ये टमाटर की चटनी के साथ खाइए ठंड के दिन में, और बारिश में खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग खाइए दोस्तों, पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।